एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। फॉर सपोज ये वो स्क्वायर है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और एक सर्कल है, इसका भी एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। सवाल में कहा यह जा रहा है कि इस स्क्वायर के पैरामीटर और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के दरमियान हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास इस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करने का एरिया है 4 मल्टीप्लाई बाय L। अब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय L यानी कि इसकी तमाम साइड्स 1 के बराबर हैं क्योंकि एरिया हमें गिवन है। 4 मीटर इसका पैरामीटर आया हमारे पास। ये बात की हमने स्क्वायर की। अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसका हमारे पास फॉर्मूला है C=2πr। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 है, 3.142π की वैल्यू, r यहाँ रेडियस मालूम नहीं है। रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। पाई की वैल्यू रखिए 3.142। रेडियस हमें नहीं मालूम, यहाँ से आर को हम अलग करेंगे और यहाँ जाके 1 से 3.142 को डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट ले लीजिए, जीरो पॉइंट 318। ये हमारे पास 1 को 3.142 से डिवाइड करने के बाद आया है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.564 मीटर। यही है आपका रेडियस। इस रेडियस को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3.545 मीटर। अब हमें स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट हो चुका है और सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हो चुका है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 4 मीटर माइनस 3.545 मीटर, आंसर आएगा हमारे पास 0.454 मीटर। इस सवाल में हमसे ये कहा गया था कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है और एक सर्कल है कि जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इस स्क्वायर का पैरामीटर और इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है इसके दरमियान हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने 4 मल्टीप्लाई बाय L करते हुए स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट किया, फिर हमने C=2πr से सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया। यहाँ हमारे पास रेडियस गिवन नहीं था तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ एरिया का हमने इस्तेमाल किया, एरिया के फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया, Area=πr2। यहाँ हमने पाई की वैल्यू प्लेस की 3.142 r2। यहाँ r को अलग करने के लिए इस 3.142 को यहाँ ले जाके इस 1 से डिवाइड कर दिया। डिवीजन के बाद जो आंसर आया वो आया 0.318। यहाँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए हमने स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल किया, आंसर आया हमारे पास 0.564 मीटर। इस वैल्यू को हमने यहाँ प्लेस किया 0.564 को, आंसर आया हमारे पास सर्कमफेरेंस का 3.545 मीटर।
और डिफरेंस निकालने के लिए हमने स्क्वायर का जो हमारे पास पैरामीटर आया था उससे हमने माइनस कर दिया 3.545 को, तो हमारे पास डिफरेंस आया 0.454 मीटर।